यो बॉयज एंड गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, इट्स मी साहिल खालिद, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग करेंगे अनबॉक्सिंग इस ब्लूटूथ स्पीकर की। जी हाँ, ये है बोट का स्टोन 1500 ब्लूटूथ स्पीकर। और आप सभी को मैं इस स्पीकर की अनबॉक्सिंग करने से पहले बता दूं कि ये मेरी पहली अनबॉक्सिंग की वीडियो है, और अगर मुझसे कोई गलती हो अनबॉक्सिंग की वीडियो में, मतलब कुछ भी मुझसे गलती हो जाए अगर ड्यूरिंग अनबॉक्सिंग, तो मुझे प्लीज़ आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, या तो कमेंट में बता दीजिएगा कि मैंने क्या गलती करी। आई होप कि मैं कोई गलती ना करूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से चलते हैं, इसको पहले तो अनबॉक्स कर लेते हैं। लेकिन गाइज रुकिए, अनबॉक्सिंग से पहले आप लोग से मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने चैनल मेरा नहीं सब्सक्राइब करा है तो प्लीज़ जाके उस लाल वाले बटन पर मारे घम से घुसा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा कम है और मुझे अब बहुत ही जल्दी से अपना चैनल ग्रो करना है, तो सिर्फ वो आप ही लोग की मदद से हो सकता है। प्लीज़ जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से चलते हैं, इस स्पीकर की अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोग को बताते हैं कि इसका कॉस्ट क्या है, और साउंड टेस्ट करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद आप लोग को डिटेल में रिव्यू देंगे, मतलब लगभग सब कुछ इन डेप्थ करेंगे आज। और अभी तक अगर आपको कोई भी इस स्पीकर से लेके डाउट है तो वो मैं आज इस वीडियो में क्लियर कर दूँ। टाइम आ गया है, अपना पैकेज अराइव हो चुका है, और ये कुछ ऐसा फ्लिपकार्ट की ब्रांडिंग है, फ्लिपकार्ट से मंगाया था मैंने, वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट मैं इस ब्लूटूथ स्पीकर का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओहो, बोट का अंदर डिब्बा दिख गया। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, बोट साहब अपना प्रचार करते हुए इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे। सो इसको निकाल लेते हैं। ए भाई साहब, भाई हाय, इसको साइड में कर देते हैं हम लोग, साइड में क्या फेंकी दो सारे तू। सो बॉक्स का ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं। तो आप सबको पहले तो लेफ्ट साइड पे मिलेगा स्टोन 1500 लिखा हुआ, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, और आपको बोट की टैगलाइन देखने को मिलेगी बीच में, रोड विद द बीस्ट। मुझे ये लगता है कि इसको सब लोग बीस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो बेस है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या ही बताएं, आप अगर इंडियन हैं, इंडियन में ज़्यादातर आप लोग जानते ही हैं कि इंडिया वालों को, हम लोगों को सबसे ज़्यादा बेस ही पसंद है, तो इसलिए ये स्पीकर बेस्ट है बेस यूज़र्स के लिए। और अगर आप राइट साइड पे देखेंगे और लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो सेम है, बोट प्लग इन टू निर्वाणा लिखा हुआ है। और आप पीछे की तरफ देखें तो आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा, आप या तो इसको पॉज करके देख सकते हैं, या तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कुछ स्पेसिफिकेशन इसकी, जो कि इसके की फीचर हैं। पहला तो TVS फीचर, मतलब ये कि आप अगर आपके पास एक और स्टोन 1500 है, या कोई भी आपके पास बोट का ब्लूटूथ स्पीकर है जो भी TWS सपोर्ट करता है, तो आप दोनों को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर आपको देखने को मिलेगा इस स्पीकर में। और दूसरी चीज़, बिल्ट इन माइक्रोफोन इसमें आता है, जिससे कि आप अगर किसी की कॉल आती है तो आप ये वाला बटन दबाते हैं तो कॉल रिसीव हो जाएगी और आपको फ़ोन पे बात करने की ज़रूरत नहीं, आप इसी स्पीकर से ही बात कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ गाइज, ये 40 वॉट का स्पीकर है, जो कि ब्लूटूथ स्पीकर में बहुत कमी देखने को मिलता है, इसी प्राइस के प्लस पॉइंट पे देखने को मिलेगा आपको 40 वॉट का ब्लूटूथ स्पीकर। 40 वॉट का मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पीकर है ये, मतलब बेस और वोकल और साउंड और इसका सब कुछ अच्छा है। अगर आपका मान के चलिए 1000 स्क्वायर फीट में भी आपका रूम बना हुआ है तो वो आराम से ये कवर कर लेगा, बहुत आराम से, क्योंकि मेरा जो नीचे पूरा स्टूडियो है और मेरा जो रूम है वो पूरा 1000 पे ही बना हुआ है, तो ये आराम से पूरा मेरा एरिया, ये पूरा रूम का कवर करता है। और बॉक्स पे जैसे ही कि आप सब देख सकते हैं कि इसकी प्राइसिंग लिखी हुई है 12,990, बट ओरिजिनल प्राइस इसका बहुत ही कम है, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, बॉक्स का रिव्यू हो गया है, अब आप लोग को इसमें से स्पीकर निकाल के दिखाते हैं। इसमें देखते हैं क्या क्या है, ये छोटे से बॉक्स में देखते हैं क्या क्या है। तो गाइस, पहला तो ये है चार्जिंग केबल, और दूसरा है ये, इसलिए जैसे आप इसको इधर हुक कर रहे हैं और इधर, तो आप इसको कैरी कर सकते, और ये है ऑक्स और कुछ बोट के कार्ड। सारे क्रिकेटर्स हैं, मैनुअल। ये है 1 ईयर वारंटी कार्ड, बॉक्स में कुछ नहीं है। अब फाइनली इसको
अपने बीस्ट को निकाल लेते हैं ऐसे करके। भारी है गाइस, बहुत ज़्यादा भारी है सच में। ये कुछ इस इन फोम से कवर रहता है। ये फाइनली गाइस, अरे भाई साहब बहुत ही ज़्यादा भारी है। ओए होए कितना प्यारा लग रहा है गाइस, ये देखिए बेस का है मामला दोनों तरफ। यार क्या सेक्सी लग रहा है यार। तो अब हम बात करते हैं इस स्पीकर की डिटेल में। ये वाला जो आप बटन देख रहे हैं ये TWS और ऑन ऑफ के लिए है, और ये वाला जो आप बटन देख रहे हैं ये वाला है वॉल्यूम डाउन के लिए, और ये वाला है म्यूज़िक प्ले पाउज और आप अगर किसी की कॉल आती है तो रिसीव करने के लिए, और इंडोर और आउटडोर मोड ऑन करने के लिए है। इंडोर और आउटडोर मोड क्या है इस स्पीकर में वो भी मैं आपको अभी बताऊँगा। और ये है आपका वॉल्यूम अप करने के लिए, और ये जो आप दो हुक देख रहे हैं ये हुक इसलिए है कि ये स्ट्रैप लगा के आप इसको कैरी कर सकें। कैसे, ये देखिए सिंपल है बहुत। आपने एक हुक लगाया, दूसरा हुक लगाया और फिर इसको कहीं भी आप लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं। पर्स बना लीजिए, तबला बना लीजिए। तो ये तो रहा है स्ट्रैप का फ़ायदा। इसको फटाक से ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस ये आपको बटन 3 सेकंड के लिए ऑन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। बस ये बटन को पुश करे रहना है 3 सेकंड के लिए और ये ऑन हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये जो तीन आप बार देख रहे हैं ये बैटरी इंडिकेटर हैं, और ये जो ब्लू है इससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये ऑन हो चुका है। ब्लिंक इसलिए हो रही है कि ये अभी कनेक्ट नहीं है, जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो ये ब्लिंक होना बंद हो जाएगा, और अगर इसमें बैटरी कम होगी तो यहाँ पे लाल लाइट ऐसे ब्लिंक करने लगती है। और आपके जो लोगो देख रहे हैं बोट का, इसके लेफ्ट और राइट साइड पे एक एक 20 वॉट के स्पीकर हैं, और साइड से आप देख सकते हैं इसका कितना प्यारा है। ये पूरा प्लास्टिक पे है, प्लास्टिक वाली है कि अगर ये गिरेगी तो टूटेगी नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली प्लास्टिक है। और ये जो आप देख रहे हैं पीछे वाले इनपुट, ये देखिए ये आपको ऑक्स का दिख रहा है, और ये है टाइप सी चार्जिंग के लिए। बोट ने बहुत ही अच्छा काम करा है टाइप सी देके, क्योंकि ये बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है टाइप सी की वजह से। और ये जो आप USB पोर्ट देख रहे हैं इसमें आप सिर्फ पेन ड्राइव लगा सकते हैं, गाने सुन सकते हैं उससे। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं USB केबल लगा के अपना मोबाइल चार्ज कर लूँ या कोई चीज़ भी चार्ज कर लूँ, तो नहीं, वो नहीं हो सकता। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। बिल्ड क्वालिटी के मामले में नंबर वन, मतलब इस प्राइस पॉइंट पे इसका प्राइस आपको बताएं कितने का है, ये सिर्फ 6000 का है इस टाइम। मैं आपको लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा अगर आपको लेना है। और मेरे साथ हुआ खेल ये, मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊं कि मैंने जैसे कल ऑर्डर करा तो ये 6000 का था, और मैंने अगर परसों इसको ऑर्डर करा, मैंने परसों भी लगाया था ऑर्डर, तो वो 6999 का था। तो मैंने जैसे ही कल रात को देखा परसों वाला, फौरन मैंने ऑर्डर कैंसिल करा और कल मैंने नया ऑर्डर करा। और फ्लिपकार्ट की अच्छी बात यह है कि मैंने कल ऑर्डर करा और आज शाम को ही ये आ गया, और मैंने फटाफट आप लोग के लिए ये बस अनबॉक्सिंग और रिव्यू बना देना था, तो मैंने ये वीडियो बनाया। तो आप लोग एक बार इसको पास से देख लीजिए, ये देखिए ये फिज़िकल बटन्स हैं, लेकिन इतने प्रीमियम हैं कि लगते ही नहीं है कि फिज़िकल, मतलब आपको दूर से नहीं लग रहा होगा कि फिज़िकल बटन है। और ये जो आप क्लोथिंग देख रहे हैं, मतलब इतनी ज़्यादा प्रीमियम है, मतलब इसकी वजह से लुक एकदम एनहेंस हो जाता है इसका स्पीकर का। और ये जो ब्लैक पे आप रेड फिजिकल बटन्स देख रहे हैं, इसकी वजह से मतलब इसका लुक, क्वालिटी तो है ही बेस्ट, मतलब क्वालिटी तो है ही अच्छी, लेकिन इसका लुक जो देखने में आता है, मतलब जो देखो कि हाँ लगता है कि हाँ प्रीमियम क्वालिटी का है, मतलब महंगा है। और ये जो आप प्लास्टिक देख रहे हैं ये ऐसी प्लास्टिक नहीं है कि आप बस एक बार गिरी तो इसमें चिटक गई या कुछ हुआ, अभी क्या हुआ ये ड्रॉप हो गया, लेकिन कोई भी निशान नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, जैसा आया था वैसे ही है। इसका वेट है 3 किलोज, तो हाँ ये हैवी है, बट उसी हिसाब से इसको बनाया गया है कि मतलब आप कहीं भी इसको लेके जा सकें, और आप इसको अगर सुने तो आप बार बार कहें कि भाई क्या चीज़ मैंने ऑर्डर करी है। और अगर आप बेस लवर हैं तो आप आंख बंद करके ये प्रोडक्ट ले सकते हैं, और अगर आप बेस लवर नहीं भी हैं तो भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैंने टेस्ट करा इसको, और अभी मैं आप लोग को साउंड क्वालिटी भी दिखाता हूँ इसकी, आउटडोर मोड और इंडोर मोड पे भी दिखाऊंगा कि आउटडोर और इंडोर मोड में क्या फ़र्क है। कैमरे में तो इतना नहीं पता चलेगा, वो तो
जब आप इन पर्सन होते हैं या आपके सामने रखी होती चीज़ तो ही आप समझ पाते हैं। कैमरा कभी भी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाता है। तो लुक वाइज तो यार मैं इसको 10 out of 9 दूंगा। बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। तो इसकी बैटरी है 4000 mAh, जो कि कहें मतलब ठीक है। कंपनी क्लेम करती है कि ये 8 घंटे आराम से चलेगा, मतलब आपने एक बार इसको फुल चार्ज करा और आप इसको सुनते रहिए, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इसको 80% या 90% के ऊपर इसका वॉल्यूम रखेंगे और आप इसको अगर लगातार सुनेंगे तो ये सिर्फ 4 या 5 घंटे बैटरी का बैकअप देता है, इससे ज़्यादा नहीं देगा आपको। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दे दें, मतलब जैसे कंपनी ने कहा है वैसा दे दें, तो वो नहीं है। रियल लाइफ में ये 4 से 5 घंटे ही आपको बैटरी बैकअप देगा, उससे ज़्यादा बैटरी आपको बैकअप नहीं देगी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की। साउंड क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इसके बेस, मतलब यार कसम से बेस से मुझे प्यार हो गया। मैं बेस का ही शौकीन हूँ और मुझे उसी हिसाब से स्पीकर भी मिला। मैंने भी सच में इसके रिव्यू बहुत देखे थे और कई यूट्यूबर्स को देखा था इसकी तारीफ़ करते हुए, तो सोचा मैं लूँगा तो इसी को लूँगा, क्योंकि आप सब ने देखा ही है जो हमारा छोटा सा फार्म हाउस है वहाँ पे पूल है, तो मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, और वहाँ पे जाके आउटडोर मोड लगा के मतलब अलग ही मज़ा आ जाता है। और इसके ट्रेबल और बेस सुपर्ब हैं और इसके वोकल वगैरह एकदम मस्त हैं, मतलब किसी चीज़ में आपको दिक्कत नहीं मिलेगी ना वोकल में। और अगर आप इसको 100% वॉल्यूम पर करके सुनेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ना ये भरभराएगा ना कुछ होगा, मतलब जैसा बजता है वैसे ही बजेगा। और आपने अगर इसको इंडोर मूड पे अपने एक छोटे से रूम में बैठ के आपने बजाया, सच में आपको तब इसकी असलियत पता चलेगी कि ये क्या है। तो अभी हम लोग खट्टे से इसका आउटडोर और इंडोर मोड का टेस्ट ले लेते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। चलिए पहले आउटडोर पे बजा लेते हैं। दो बार प्रेस करिए इंडोर। इंडोर मोड। On a new adventure. साउंड टेस्ट तो करा दिया। आई होप कि आप लोग को इंडोर और आउटडोर मोड में फर्क पता चल गया होगा। और अगर आपको ऐसा कोई फर्क ज्यादा नहीं लगा हो कि मतलब बहुत कोई ज्यादा फर्क नहीं आया था, तो मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे ही कि आप इसको आउटडोर मोड में लगाते हैं तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और बेस कम हो जाता है, और जैसे ही आप इसको इंडोर मोड पर लगाते हैं तो इसका बेस ज्यादा हो जाता है, और जो टेरेबल जिसको मतलब बरबराहट कहते हैं और जो आवाज होती है वो कम हो जाती है। और असली मज़ा आना सच में इंडोर मोड पे ही है। अगर आप पार्टी आर्टी में हैं जैसे बाहर हैं तो इंडोर मोड आपको एकदम मतलब पता ही नहीं चलेगा कि बज रहा है, जैसे आप आउटडोर मोड पे लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब बहुत मामूली सा होगा, नहीं, जैसे ही आप बाहर जाएंगे और आउटडोर मोड पे लगाएंगे तो आपको बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। और जैसे ही आप अपने घर में होंगे या अपने रूम में होंगे और आपने इसको इंडोर मोड पे लगा के सुना तो आपको इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसके बेस और इसका जो वोकल्स वगैरह मतलब इतने परफेक्ट हैं कि क्या ही बताऊँ। तो गाइस ये मेरी पहली अनबॉक्सिंग वीडियो थी और आई होप कि आप लोग को ये स्पीकर पसंद आया हो, बोट 1500, और मेरी तरफ से तो ये परफेक्ट है और आप इसके लिए आँख बंद करके जा सकते हैं। और मतलब इस प्राइस पॉइंट पे सबसे बेस्ट अगर आप बेस के लिए ढूंढ रहे हैं तो यही स्पीकर है। तो बस यही आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सी आई इन नेक्स्ट व्लॉग, ओ सॉरी, सी आई इन नेक्स्ट वीडियो, व्लॉग नहीं था। Tell me pretty lies, look me in the face.
me that you love me.